सब्सक्राइब करें हमारे मेडिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का हमारा विषय एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में आपको मैं ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, एक ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स बताने वाला हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए और हमेशा आपको उपयोग आएगी। ऐसी कौन सी प्रोसीजर है, जब भी किसी व्यक्ति को लगता है कि गले में कुछ अटक सा गया है, जब भी उस मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, स्पेशली जब मरीज खाना खा रहा हो, यानी कि उस पेशेंट्स को खाना खाते वक्त अचानक से लगने लगे कि मेरे गले में कुछ अटक गया है, सांस लेने में उसको परेशानी होने लगे या फिर बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाए और उसको बेचैनी होने लगे और पेशेंट अपनी सीट से खड़ा होकर के आसपास घूमने लगे, ऐसी कंडीशन में उस पेशेंट्स के साथ में एक आम व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसे आप सीख कर किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को साथ नहीं दिया गया, इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, तो उस पेशेंट की जान जा सकती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो या बुजुर्ग हो। तो इस प्रोसीजर को समझने के लिए वीडियो अंत तक देखना होगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। सबसे पहले समझ लेते हैं ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है गले में। आप इस इमेज को देखिएगा, जब भी हम कुछ खाते हैं या फिर गले में कुछ फॉरेन बॉडी का अटक जाना, आप बात समझ रहे हैं मेरी, जब भी हम खाना खाते हैं तो जो निवाला होता है उसका अटकना, या फिर जब हम कुछ गलती से फॉरेन बॉडी खा जाते हैं या फिर बच्चे निगल जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो फॉरेन बॉडी होती है, जैसे वॉल का पार्टिकल्स हुआ, सिक्का, पैसे का जो सिक्का होता है वो हुआ, या फिर कोई अन्य चीज़, वो जब गले में अटक जाती है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करती है। जब वो ऑब्स्ट्रक्शन करती है और वो गलती से अगर ट्रेकिया में चला जाता है तो वो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, जिसमें से दो तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एक होता है पार्शियल और एक होता है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन को कहते हैं हिंदी में रुकावट आना, राइट? तो जब ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी स्पेस खाली रहती है, यानी कि पूरी नली ब्लॉक नहीं होती है। लेकिन जो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें पूरे तरीके से जो नली होती है हमारी वो ब्लॉक हो जाती है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको एक प्रोसीजर आता है तो उस बच्चे की या फिर उस व्यक्ति की जान आप बचा सकते हैं। दो तरह से ऐसा लगता है कि पेशेंट को गले में कुछ अटका हुआ है, जो अभी इस बीमारी, जो जैसे कोविड-19 जैसी बीमारी की वजह से पेशेंट्स को फियर है, उसको मेंटलिटी है और उसकी गले से रिलेटेड कुछ समस्याएं भी हैं, ऐसी कंडीशन में जिनको लग रहा है कि गले में कुछ अटका हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको केवल फीलिंग हो रही है। और कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने सीटी करवाया, एंडोस्कोपी करवाया, थायराइड रिपोर्ट करवाई, CBC करवाया, लेकिन कुछ भी उनको नहीं निकला है, इवन एक्सरे भी करवा लिया है। तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी उनको लग रहा है कि गले में कुछ अटका हुआ है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए, गुनगुने पानी से गार्गल्स करें, गुनगुना पानी पीते रहें, हल्का सा काढ़ा लेते रहें थोड़ा थोड़ा। अब बात करें कि जिनको ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है या फिर जिनको पार्टिकल्स, कुछ फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स जाके ऑब्स्ट्रक्टेड कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, कोई व्यक्ति खाना खा रहा है और उसको गले में खाना अटक जाता है, ऐसी कंडीशन में एक प्रोसीजर होता है, एक टेक्निक होता है, जिसे हम कहते हैं हेल्मिश मैन्यूवर्स। हेल्मिश मैन्यूवर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी सहायता से आप किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो में ये एक भाई साहब हैं जो खाना खा रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं और इनको कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इनको बेचैनी होने लगती है और अपनी सीट से उठ करके आसपास वो घूमने लगते हैं। जब वहाँ के मैनेजर इस भाई साहब को देखते हैं तो उनको लगता है कि इस बंदे को कुछ ना कुछ परेशानी है। वो मैनेजर दौड़ के आते हैं और उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जो एक मैन्यूवर्स मैंने आपको बताया। अब इस प्रोसीजर में होता क्या है इसे समझ लेते हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड मुझे इस तरीके से बना लेना है। जब ये एक सतह एक प्रकार की बन जाएगी और इस सतह का मुझे अपना जो अम्बिलिकस होता है, जिसे हम नाभि कहते हैं, नाभि के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, और जो जीफाइड प्रोसेस होता है हमारा, यानी कि जो हमारी हड्डियों का जुड़ने का
एक लास्ट पार्ट होता है जिसे हम G5 प्रोसेस कहते हैं, उसके हल्का सा नीचे। ये हाथ मैंने इस तरीके से लगाया और ये जो मेरा राइट हैंड है वो इस तरीके से लगाया, ऐसे लगा के। और हमें क्या करना है, देखिए मैं प्रोसीजर जो फॉलो कर रहा हूँ आप उसे बड़े ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से ये हमें तब तक करना है जब तक कि जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स है या जो हमारा निवाला है वो बाहर नहीं निकल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसकी अच्छी ट्रेनिंग आपको लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये उपयोग करना चाहिए। इस वीडियो में आपने देखा है कि जो पेशेंट्स को ये समस्या हो रही है उसके साथ में हमें करना है, हमें सेल्फ, अगर हमें खुद हो रही है तो ऐसी कंडीशन में हमें सेल्फ नहीं करना है। अगर सेल्फ हमें समस्या हो रही है तो एक कुर्सी के सहारे हमें इस वाले हिस्से को झुका के रखना है और नीचे की तरफ हमें ये हिस्सा झुका के रखना है और पीछे से स्लैप भी कर सकते हैं, इस तरह से भी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और इस बीमारी से यानी कि इस प्रॉब्लम से, इस परेशानी से हम छुटकारा सामने वाले पेशेंट को दे सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उनको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।